रात के 9 बज रहे हैं और आप सही सोच रहे हैं, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है टैक्सी के अंदर से। यस, हम हैं टैक्सी के अंदर और हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज का ब्लॉग बहुत ही बड़ा होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टाइटल देख के आपको पता चल ही गया और थंबनेल में कि वैकेशन सीरीज पार्ट 1 है आज का ब्लॉग। पार्ट 1 को इन तक जरूर देखना और बिल्कुल भी इसके वीडियो को स्किप करके ना देखें। और सबसे पहले, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मेरी नेक्स्ट वैकेशन सीरीज पार्ट 2 सबसे पहले आपको मिले। और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और गाइस मेरे साथ बने रहिए। डिसाइड किया था कि हम सेम टाइम पे ही सब लोग एक मतलब सेम टाइम पे ही पहुँचेंगे रेलवे स्टेशन। तो ऑलमोस्ट सारे लोग आ चुके हैं, ऑलमोस्ट क्या सभी आ चुके हैं, और 10 से 12 लोग हैं हमारा ये पूरा ग्रुप है और 3 बच्चे हैं इसमें, टोटल 15 लोग हैं। और बस अभी हमारी ट्रेन रात के 11 बजे की है तो अभी सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हो रही हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए जा रहे हैं और हमारी ट्रेन ऑलरेडी ट्रैक पे लग चुकी है 1 by 1 करके। बस अब हम ट्रेन के अंदर एंटर करेंगे। डबल डेकर ट्रेन है और ट्रेन के अंदर एंट्री करते ही आई सेड वाओ, इतनी अच्छी, इतनी नीट एंड क्लीन ट्रेन है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है, वेल मेंटेन है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। तो इसमें क्या है, सबके अपने अपने पर्सनल रूम्स हैं और कॉरिडोर है खुला हुआ और देखने में बहुत ही वेल मेंटेन, बहुत ही नीट एंड क्लीन ट्रेन है। तो बस सबके अपने अपने पर्सनल रूम्स दिए हुए थे तो हम लोग वहाँ बैठेंगे, सामान वगैरह सेट करेंगे। और ये है डबल डेकर, तो जैसे सेम पैकिंग है वैसे ही पैकिंग ऊपर का भी फ्लोर में है सेम। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका अंदर का नज़ारा दिखाती हूँ ट्रेन के अंदर का। ट्रेन इतनी स्पीड में है और बिल्कुल भी अंदर है ना फील नहीं होता है साउंड का, कोई भी साउंड वगैरह कुछ भी नहीं, बस ऐसे लगता है कि आप एक रूम में रह रहे हो और जो स्मूथली चल रही है। बट ट्रेन बहुत ही हाई स्पीड में है और इसके जो ग्लासेस है ना, आप बाहर से कुछ नहीं देख सकते हो और अंदर से आपको सब दिखेगा। तो बस यही हम लोग बस घूम रहे थे यहाँ पर और सारे जेंट्स वगैरह का पूरा गैंग हमारा बैठा हुआ इंजॉय कर रहे थे सारे लोग। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं आप शूट कर लेती हूँ आपको शेयर करने के लिए। और ये देखिए रूम कितना अच्छा है इसके अंदर का, सारी चीज़ें पिलो है, कवर है, बेडशीट ज़्यादा ब्लैंकेट एवरीथिंग। के नीचे बर्थ सीट थी ना, तो इसके नीचे हमने अपने लगेज वगैरह रख दिए थे, फैन रख दी थी और शूज वगैरह रख दिए थे। और हैंगर मिले हैं जितने हैंगर में आप जैकेट वगैरह हैंग कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा हैंगर भी थे तो रैक टाइप का भी यहाँ पे Yeah.
अपने रूम लॉक करके ना हम एक ही रूम में सारे लोग सेट हो गए। बहुत मजा आ रहा था, बातें कर रहे थे, वो करते जा रहे थे और आराम से टाइम स्पेंड कर रहे थे, अंताक्षरी वगैरह खेल रहे थे, गाने वगैरह लगा रखे थे फोन में। और गेट के पीछे ये ना मिरर था, जैसे फोन चाहूंगे पीछे आराम से गेट लॉक करो, और मिरर उसमें किया हुआ था। सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह और फिर तो मुझे स्नैक्स वगैरह लेकर गए थे साथ में बच्चों के लिए, ताकि मेरी मम्मी भूख लगे तो खा सकें। और बस ऐसे खाते पीते हैं, टाइम कट गया। और रात में तो किसी को नींद ही नहीं आई, बस थोड़ी देर के लिए हम उन्हें एक एक नैप लिया अपने अपने रूम में जाके, और बस 3 से 4 घंटे के अंदर और फिर हमारा जो जर्नी थी वो कम्प्लीट हो गई। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गए, मॉर्निंग हो गई। तो फाइनली ट्रेन अपने ट्रैक पे लग रही है, लग रही नहीं, लग चुकी है समझो, 2-3 मिनट का डिफरेंस होगा। और अभी बज रहे हैं 7, तो यहाँ पे सुबह के टाइम ठंड है कंपेयर टू मॉस्को, पहुँच रहे हैं। तो हम पहुंच गए हैं सेंट पीटर्सबर्ग में, और यहां से हम जाएंगे अपने होटल में। सभी लोग अपने को टैक्सी बुक करेंगे और सीधा होटल में मिलेंगे। तो होटल की बुकिंग हमने एडवांस में ही कर रखी थी, तो बस हमें वहां पे चेक इन करना है। चलो मैं निकल रही हूं। और बस रास्ते में जो भी क्लिप्स वगैरह अच्छी अच्छी लगेंगी मैं आपसे शेयर करती जाऊँगी। वैकेशन सीरीज पार्ट 1 को मैं यहीं करती हूँ एंड। कीप वॉचिंग, वेट एंड वॉच फॉर नेक्स्ट वैकेशन सीरीज पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ।